पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगन व्याहा पंडो होवे दोस्ती पंडो चले रहा पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिए जित जमेरा जान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोए नानक पंडे बाहरा एक को सच्चा सोए जित मुख सदा सलाइए पागा रत्ती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार। ये शब्द जो है ये श्री गुरु नानक देव जी का है ते बाबा जी इस शब्द दे विच जेड़ा सानू ये समझाना चाहते हैं कि मनुख जेड़ा वा वो इस्त्री तो ही जमदा है, ठीक है, इस दे नाल ही मंगनी करवाउंदा है, ब्याह करवाउंदा है अते अपना शरीरक संबंध जेड़ा वा शरीरक रिश्ते नाती भुगाउंदा है इस्त्री दे नाल ही। ते जदों किसे कारणवश इस्त्री जेड़ी आ उस आर्मी दी स्वर्गवास हो जाती है, भाव की डैथ हो जाती है उस इस्त्री दी, तां फिर वो अपना परिवार वधाउण दे वास्ते होर इस्त्री दे नाल जेड़ा वा वह ब्याह जेड़ा वा वह कर दिंदा है। ते बाबा जी कहिंदे हन कि जदों इस्त्री दे नाल इक इस्त्री है जिन्हें कि सारे परिवार नूं जेड़ा वा वह बन्निया होया है, उस आर्मी दे सारे रिश्ते नाते जो है वह उस इस्त्री दे नाल जेड़े इर्द गिर्द घूमते हैं, तो फिर असी इस्त्री नूं जेड़ी बुरा भला क्यों कहिंदे हाँ? वह इस्त्री जिन्हें वड्डे वड्डे राजियां महाराजियां नूं जन्म दिता है उन्हों असी क्यों असी जड़ा वा वह पैरों की जुत्ती समझते हैं, उन्होंने असी क्यों माड़ा समझते हैं उस इस्त्री को। बाबा जी कहते हैं कि इस्त्री की निंदा कभी ना करो, सगो इस्त्री का सत्कार करो, क्योंकि इस्त्री तो बिना जड़ा वा ना घर परिवार चल सकता है अते ना ही समाज चल सकता है। तो बाबा जी कहते हैं कि जेडे मूँह दे नाल उस प्रभु की सिफत सलाह हुंदी है वह भागों वाले जड़े ने वह शरीर जड़े ने रूहां जड़ियां ने वह भागों वाली हुंदियां हन, ते वह मालक के दरबार में भी जड़े ने वह सुरखरू हुंदियां हन, रूहां जड़ियां ने उजले उन्होंने मुख हुंदे हन, जो कि वाहिगुरु की जड़ी आ दित्ती दात नूं जड़ा वा वह बुरा भला नहीं कहिंदे। इस करके इस्त्री नूं जड़ा वा कभी भी निंदो ना, सगो इस्त्री दा जड़ा वा सत्कार हर हाल में सत्कार करो। धन्यवाद जी।